आपका मेरी YouTube चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। आगे के वीडियो में हमने देखा था कि सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस क्या होता है, यानी कि नेक पेन क्या होता है, वह किन वजह से होता है, कौन से कारणों की वजह से नेक पेन हमें होता है और उनके ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में हमने बात की थी। यहाँ पर हम वही ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको मैं ऐसे स्ट्रेचिस बताने वाला हूँ कि जिनको अगर आप रेगुलर करते हो तो आपका नेक पेन पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, उनमें काफ़ी राहत हो जाएगी। अगर आपको नेक पेन नहीं है फिर भी यह स्ट्रेच आप रेगुलर कर सकते हो और आपको आगे फ्यूचर में भी नेक पेन ना हो वैसे आप इलाज कर सकते हो। तो फिर जान लेते हैं कि क्या है यही स्ट्रेच। पहले हमें गर्दन के पीछे के मसल को खींचना है। इनके लिए आपको दोनों हाथ को सभी उंगलियों को एक दूसरे में जोड़ देना है, फिर सिर को सिर के पीछे हाथ को रख देना है और सिर को आगे की साइड अच्छी तरीके से दबा के खींचना है। तो यहाँ पर गर्दन के पीछे के मसल का अच्छी तरीके से स्ट्रेच हो जाएगा। अभी गर्दन के आगे के मसल को स्ट्रेच करना है, इनके लिए दोनों हाथ को अच्छी तरीके से जोड़ देना है, फिर दोनों अंगूठे से सिर को पीछे की साइड झुकाकर अच्छी तरीके से दबाना है। तो यहाँ पर गर्दन के आगे के साइड के मसल खींच जाएंगे। अभी साइड के मसल को खींचने के लिए आपको एक हाथ को कमर के पीछे रख देना है, फिर दूसरे हाथ को सिर के ऊपर से ले जाकर कान की साइड ले जाकर गर्दन को साइड पर झुकाना है और अच्छी तरीके से खींचना है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें गर्दन के बाजू के मसल को खींच लेना है। अभी इसी तरीके से गर्दन के पीछे के और साइड के मसल को खींचना है। इनके लिए भी आपको एक हाथ को कमर के पीछे रख देना है, फिर दूसरे हाथ को सिर के ऊपर से ले जाकर न तो साइड पे न तो आगे पर कॉर्नर पर से सिर को खींचना है झुकाकर। इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी खींच लेना है। तो यहाँ पर गर्दन के सभी साइड के मसल अच्छी तरीके से खींच जाएंगे, वहाँ पर स्ट्रेच हो जाएंगे, इसलिए गर्दन की जकड़न पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। तो आशा रखता हूँ कि आपको मेरी यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इनको लाइक जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को फ़ायदा मिल पाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो ताकि ऐसे अच्छे हेल्थ रेट वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए हेल्थ टिप्स के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।